सिंधिया जी के एक भी समर्थक को टिकट नहीं मिला है कि भारत सिंह को आज की तारीख में एक प्रकार से थोड़ा सा कमजोर माना जा रहा है। तो सिंधिया जी को ये मालूम है, सिंधिया जी के खेमे को ये मालूम है कि यदि भारत सिंह यहाँ से चुनाव जीत गए तो हमेशा के लिए ये जो सीट है भारत सिंह के लिए रिजर्व हो जाएगी। तो विवेक जी सेजवलकर वर्तमान में सांसद हैं, उनका टिकट कटा है, जाहिर है उनके कुछ ना कुछ समर्थक तो हैं ही, तो वो भी नहीं चाहेंगे। जयवान सिंह पवैया ये उम्मीद कर रहे थे कि हमें ग्वालियर संसदीय सीट से टिकट मिल जाएगा। पहले उन्हें राज्यसभा से उम्मीद थी, फिर अब उनको यहाँ से उम्मीद लगी संसदीय ग्वालियर लोकसभा सीट से। अभी ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे को टिकट नहीं दिया है। गुना में उनका विरोधी नंबर वन है केपी यादव, जो 3 साल से उनके लिए परेशानी कर रहे थे। क्योंकि टिकट ही कट गया केपी यादव का और सिंधिया जी के कारण टिकट कटा, तो जाहिर है जी केपी यादव जो है वो, मेरा मानना है कि भीतरघात उनकी ओर से, उनके खेमे की ओर से हो सकती है। गुना में सिंधिया जी को, गुना अपने प्रॉपर गुना में जो शहर में, वहां सिंधिया जी को कम वोट मिलते रहे, ये बात सही है। सीपरी में भी उनको एक बार शहर में कम वोट मिले हैं। तो केपी यादव, वीरेंद्र रघुवंशी, क्या ये दोनों लोग भी एक साथ आ सकते हैं क्या? अगर दोनों लोग, जैसा कि आप बता रहे हैं, यादव मतदाता ज्यादा है, रघुवंशी मतदाता ज्यादा है, तो इनके लिए तो दोहरी मुसीबत हो जाएगी सिंधिया के लिए। दूसरा, भारत सिंह मंत्री रहते हुए, भारत सिंह मंत्री थे शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में, मंत्री रहते हुए भी उन्होंने शहर के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, बल्कि शहर में वो उन्होंने एक प्रकार से भ्रमण भी उनका नहीं रहा, मुआयना भी नहीं रहा, तो एक ये भी नुकसान उनको हो सकता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने गुना से उम्मीदवार बनाया है और वहीं पर उनके गृह जनपद ग्वालियर से विजय सेजवलकर, जो कि वर्तमान में सांसद हैं, उनका टिकट काट कर भरत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। ग्वालियर की अगर बात करें तो उस लोकसभा के अंतर्गत 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें हाल ही में जो विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया था उसमें 4 सीटों पर बीजेपी तो 4 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। गुना की बात करें तो 8 विधानसभा की सीटों में से जिसमें से 6 पर बीजेपी जीती थी और 2 पर कांग्रेस। तो गुना थोड़ा सेफ है सिंधिया के लिए इस बार जीत पाना, लेकिन तब भी यहाँ पर सिंधिया के लिए एक बड़ी मुसीबत है। मुसीबत कौन है? केपी सिंह यादव, जिनका टिकट काट कर बीजेपी ने सिंधिया को उम्मीदवार बनाया है। साल 2019 में केपी सिंह यादव से सिंधिया चुनाव हार गए थे, वो भी 1 लाख ज़्यादा वोटों से। और सिंधिया के लिए केपी सिंह यादव ही चुनौती नहीं है, उनके एक और प्रतिद्वंदी हैं जो उनको पसंद नहीं करते हैं, वो है वीरेंद्र रघुवंशी। साल 2020 में जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए, इसके बाद जो कि वीरेंद्र रघुवंशी पहले से बीजेपी में थे, वो थोड़ा असहज दिख रहे थे, उनको लगा उनका टिकट कट सकता है, उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। और गुना लोकसभा में अगर उनके जातीय समीकरण की अगर बात करें तो रघुवंशी लोगों की संख्या ठीक ठाक है, यादव लोगों की संख्या ठीक ठाक है। अगर केपी यादव थोड़ा सा भी न्यूट्रल अगर होते हैं तो सिंधिया के लिए मुसीबत हो सकती है। और वीरेंद्र रघुवंशी भी अगर कांग्रेस में रहते हैं, बीजेपी में नहीं जाते हैं, तो सिंधिया के लिए इस बार भी मुश्किल हो सकता है। हमारे साथ में अभी जुड़ेंगे प्रदीप मांडरे साहब, जो कि ग्वालियर हलचल दैनिक संध्या एक अखबार है, उसके संपादक हैं, और इन दोनों लोकसभाओं के बारे में थोड़ा समझेंगे, सिंधिया के बारे में समझेंगे, क्या इस बार गुना लोकसभा जीत पाना उनके लिए आसान है या किस तरह की चुनौती वे फेस करेंगे। वहीं पर ग्वालियर को लेकर बात करेंगे, आखिर वर्तमान में सांसद का टिकट क्यों काटा गया है, वो भी भरत सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि विधानसभा चुनाव अपना हार चुके थे। गुना लोकसभा में इस बार आपको क्या लग रहा है? सिंधिया को पिछली बार काफी 1 लाख से ज्यादा वोटों से हारे थे वो अपने ही पूर्व सहयोगी से, आपको इस बार क्या लग रहा है? देखिए शैलेंद्र जी, कि कल जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई है मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो सिंधिया जी के एक भी समर्थक को टिकट नहीं मिला है, और तो और स्वयं सिंधिया भी अपने लिए टिकट जो वो जहाँ से चाह रहे थे वो करवा नहीं पाए हैं, मतलब अपने लिए टिकट ला नहीं पाए हैं सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में। ये इससे मतलब बड़े अफसोस की बात उनके लिए, उनके खेमे के लिए क्या होगी।
ना तो उनके किसी समर्थक को टिकट मिला है, ना ही सिंधिया जी जो ग्वालियर से चाह रहे थे, पिछले 2 साल से 3 साल से वो ग्वालियर से ही लगे हुए थे ग्वालियर संसदीय सीट में, और सर्वाधिक विकास कार्य उन्होंने ग्वालियर संसदीय सीट में ही कराए, वो पूरी उन्हें उम्मीद थी। करीब 4 दिन पहले मैंने एडिटोरियल लिखा था अपने ग्वालियर हलचल में कि उसका हेडिंग था सिंधिया जी धर्म संकट में, और धर्म संकट ये था कि वो दोनों ओर से उनको तैयारी करनी पड़ रही है, गुना से भी ग्वालियर से भी, और 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं सालों से, क्योंकि कब पता कब नहीं मालूम कि उनको गुना से टिकट दे दिए जाए या उनको ग्वालियर से टिकट दे दी जाए। तो हफ्ते में 2 दिन मान लीजिए अगर उनका कार्यक्रम बनता था तो हफ्ते में 2 दिन वो गुना रहते थे, 1 दिन ग्वालियर रहते थे, ये 1 दिन 2 दिन ग्वालियर, ये 1 दिन गुना। तो इस प्रकार से वो एक पैर उनका गुना में एक पैर ग्वालियर में था, बड़ी एक प्रकार की उनके लिए बड़ी ये संकट की स्थिति थी। और उनके लिए सबसे सुरक्षित सीट जो थी वो थी ग्वालियर, आज भी है उनके लिए, अगर टिकट मान लीजिए बदलता है। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि भारत सिंह को आज की तारीख में एक प्रकार से थोड़ा सा कमजोर माना जा रहा है, कमजोर इस सेंस में कि भारत सिंह कुशवा समाज से आते हैं, उनका पूरा नाम है भारत सिंह कुशवा, और कुशवा समाज को यहां पर जो गुजर समाज है वो वोट नहीं देता, जो और दूसरा समाज है वो वोट नहीं देता, इस एक दूसरे की आमने सामने की स्थिति रहती है। और जो भारत सिंह कुशवा है वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, ग्वालियर संसदीय सीट में ग्रामीण क्षेत्र के हैं, और जो शहरी क्षेत्र है वहां पर जो ठाकुर समाज है, ब्राह्मण समाज है, मार्स्टीन समाज है, उनका एक और वैश्य समाज है, उसका एक बाहुल्यता है। मैं कह रहा हूं कि सिंधिया जी भारत सिंह जी इसलिए कमजोर आज की तारीख में माने जा रहे हैं क्योंकि सिंधिया जी के वो एक प्रकार से विरोधी तो नहीं कहेंगे लेकिन उनके समर्थक भी नहीं है, वो समर्थक माने जाते हैं नरेंद्र सिंह तोमर के। तो सिंधिया जी को ये मालूम है, सिंधिया जी के खेमे को ये मालूम है कि यदि भारत सिंह यहाँ से चुनाव जीत गए तो हमेशा के लिए ये जो सीट है भारत सिंह के लिए रिजर्व हो जाएगी। तो राजनीति में हम देखते हैं कि जो अपने राजनीति में जो अपने दुश्मन होते हैं उनको क्यों सपोर्ट कोई करना चाहेगा। एक बात तो ये हो गई कि सिंधिया खेमा जो है वो भारत सिंह के लिए क्यों काम करना चाहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो मैंने बताया आपको गुजर समाज जो है वो इनको टिकट, वो इनको वोट नहीं देगा। अभी ग्रामीण, अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी हमने देखा। तीसरी बात, जो विवेक सेजवलकर का टिकट कटा है, तो विवेक सेजवलकर वर्तमान में सांसद हैं, उनका टिकट कटा है, जाहिर है उनके कुछ ना कुछ समर्थक तो है ही, तो वो भी नहीं चाहेंगे। जयवंत सिंह पवैया ये उम्मीद कर रहे थे कि हमें ग्वालियर संसदीय सीट से टिकट मिल जाएगा, पहले उन्हें राज्यसभा से उम्मीद थी, फिर अब उनको यहाँ से उम्मीद लगी संसदीय ग्वालियर लोकसभा सीट से, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर खेमे का कोई सांसद जीते। सिंधिया खेमा भी नहीं चाहेगा नरेंद्र सिंह तोमर खेमे का सांसद जीते। विवेक सेजवलकर भी नहीं चाहेंगे नरेंद्र तोमर खेमे का सांसद जीते। ये जो भारत सिंह है नरेंद्र तोमर खेमे के हैं, ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र तोमर ने ये टिकट दिलवाया है। मेरा मानना है नरेंद्र सिंह तोमर ने टिकट नहीं दिलवाया, हाँ वो नरेंद्र सिंह तोमर खेमे के हैं, ये बात सही है, भारत सिंह जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर खेमे के हैं। और अब चूंकि जो भी वोट मिलने हैं बीजेपी को वो मोदी के चेहरे को देखकर मिलने हैं, तो एक ही प्लस पॉइंट इनका है भारत सिंह कुशवाहा का कि वो मोदी जी के टिकट के रूप में है, मोदी जी का चेहरा वो सामने रखकर वोट लेंगे, तो उस व्याप पर वो जीत सकते हैं, ये बात एक पॉइंट है। लेकिन आज की तारीख में वो कमजोर प्रत्याशी माने जा सकते हैं। हाँ, यदि कांग्रेस की ओर से कोई ब्राह्मण उम्मीदवार मजबूत आ जाता है, ये माना जा रहा है कि जो जो दक्षिण से जो प्रवीण पाठक हारे हैं, पार्टी उनको टिकट देना चाह रही है,
तो प्रवीण पाठक यानी कि ब्राह्मण चेहरा, अभी ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे को टिकट नहीं दिया है, तो कांग्रेस यदि ब्राह्मण चेहरे को टिकट देती है तो ब्राह्मण ग्वालियर संसदीय सीट में लगभग 2.5 लाख हैं, तो ब्राह्मण वोटर हुआ, दूसरे और समाज के जो वोट हैं वो सब मिलाकर यदि अच्छी टक्कर मिलती है तो भारत सिंह को मुश्किल आ सकती है। एक मेरा मानना यह भी है कि हो सकता है टिकट बदल भी जाए भारत सिंह कुशवाहा। अब आपने जो बात कही, क्या गुना में क्या स्थिति इनकी हो सकती है, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि हमने जो एडिटोरियल लिखा था उसमें ये स्पष्ट कहा था कि ग्वालियर संसदीय सीट सिंधिया जी के लिए सुरक्षित है। सुरक्षित इस सेंस में है कि उनका यहाँ कोई ज्यादा बड़ा विरोधी नहीं है, लेकिन गुना में उनका विरोधी नंबर वन है केपी यादव, जो 3 साल से उनके लिए परेशानी कर रहे थे। सिंधिया जी भी उनके लिए परेशानी थे और केपी यादव भी उनके लिए परेशानी थे, दोनों एक दूसरे के लिए परेशानी वाले वो थे पॉइंट। अब चूंकि टिकट ही कट गया केपी यादव का और सिंधिया जी के कारण टिकट कटा, तो जाहिर है केपी यादव जो है वो मेरा मानना है कि भीतरघात उनकी ओर से, उनके खेमे की ओर से हो सकती है। गुना संसदीय सीट में बड़ी संख्या में यादव और रघुवंशी लोग हैं, यादव रघुवंशी लगभग एक ही माने जाते हैं वो हैं, तो वो इनके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं, एक पॉइंट ये भी है। दूसरा, मनोबल, जब किसी एग्जाम में मनोबल, किसी एग्जाम में व्यक्ति हार जाए, सफल नहीं हो पाए, दूसरे बार में अगर यदि वो एग्जाम देता है तो मनोबल उसका उतना मेंटेन नहीं रहता। सिंधिया जी के साथ भी यही स्थिति हो सकती है कि गुना सीट वो हार चुके हैं और बड़े उससे हारे थे, बड़े वोट के अंतर से, अगर फिर भी अगर वो दोबारा से उनको वहां टिकट मिला है वो सामना करेंगे तो उतनी मजबूती से शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि इस बार जो टिकट बांटे गए, मोदी चेहरे को देखकर बांटे गए, कुछ भी हो हमें तो मोदी चेहरे को देखना है। अब आप ये देखें कि मंडला में फग्गन सिंह कुरुस्ते हारे हुए, उनको टिकट मिला है। भोपाल में आलोक शर्मा हारे हुए विधानसभा, उनको टिकट मिला है। भारत सिंह हारे हुए, उनको टिकट मिला है। नरेंद्र जो अभी मुरैना संसदीय सीट में जो टिकट मिला है शिव मंगल सिंह चौहान को, वो 2 बार विधानसभा चुनाव हारे हुए, उनको टिकट मिला है। तो बीजेपी का जो नेतृत्व है वो ये सोच रहा है, समझ रहा है, उसका ये आकलन है किसी को भी टिकट दे दो जीत जाएगा। तो एक पॉइंट सिंधिया जी के साथ ये भी है, लेकिन साथ में सिंधिया जी के साथ ये भी पॉइंट है कि जो जनता है वो ये भी देखेगी शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की, कि ठीक है हमने साहब एक बार उनको टिकट वोट नहीं दिया, लेकिन हमें ये भी देखना है कि पिछले बार वो कांग्रेस की ओर से थे, इस बार वो बीजेपी की ओर से, पिछले बार मोदी जी का जो वो था माहौल, इस बार भी मोदी जी का माहौल है। तो मुझे सब कुछ होते हुए भी सिंधिया जी की वहां जीतने की संभावना बलवती है, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो गुना में 8 मतलब लोकसभा चुनाव के, लोकसभा की जो सीट है उसमें 8 विधानसभाएं हैं। जो आंकड़े हैं विधानसभा के उसमें आप देखिए तो 8 सीटों में से 6 पे बीजेपी जीती है और 2 पर ही कांग्रेस, जबकि आप कह रहे हैं कि उनके लिए वहां मुश्किल हो सकता है। और अगर हम ग्वालियर देखें, ग्वालियर 50-50 है, 8 में से 4 बीजेपी 4 कांग्रेस। तो क्या ये जो विधानसभा का जो पूरा परिणाम आया था ये ऐड हो सकता है क्या लोकसभा इसमें? देखिए ये तो सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट अलग होते हैं, और इस बार तो बीजेपी को विधानसभा में ही जबरदस्त बहुमत मिला है, मतलब ऑल ओवर अपन एमपी की बात कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में 18 सीटें बीजेपी को मिली है, 16 सीटें कांग्रेस को मिली है, तो बराबर की लगभग स्थिति है। वो भी तब है जब क्या नाम है, उस समय मोदी चेहरा इतना सामने नहीं रखा गया था, अब तो मोदी चेहरा सामने है, कोई बड़ा संकट देश के सामने है भी नहीं, मंदिर बन ही गया है, सब कुछ लगभग ठीक चल रहा है, महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं, महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं,
अनाज जो कुछ मिल रहा है, मतलब बहुत बड़ा कोई संकट अभी नहीं दिखाई दे रहा मुझे, ऐसा लग रहा है। तो गुना में तो मुझे केवल केपी यादव का फैक्टर अगर छोड़ दें, केवल केपी यादव का फैक्टर छोड़ दें, बाकी गुना में सिंधिया जी को दिक्कत ज्यादा नहीं आने वाली। हाँ ये बात सही है कि 2019 और उसके पहले भी गुना में और गुना में सिंधिया जी को, गुना अपने प्रॉपर गुना में जो शहर में वहां सिंधिया जी को कम वोट मिलते रहे, ये बात सही है। सुपरी में भी उनको एक बार शहर में कम वोट मिले हैं, लेकिन वो कांग्रेस की स्थिति थी। अब चूंकि सिंधिया जी बीजेपी में है और बीजेपी जिस तेजी से बढ़ रही है मोदी जी के नेतृत्व में, तो ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। केपी यादव का आपने जिक्र किया, एक और उनके हैं जो काफी उन 36 का आंकड़ा रहता है, वीरेंद्र रघुवंशी। पिछली दफा वो कांग्रेस में शामिल हुए, बाद में उनका टिकट कटा और आप एक वीडियो भी वायरल हुआ था कमलनाथ के साथ में, जब वो गए थे पार्टी कार्यालय वहां पर, तो कमलनाथ ने बोला जाके जयवर्धन के कपड़े फाड़ो, दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। तो केपी यादव, वीरेंद्र रघुवंशी, क्या ये दोनों लोग भी एक साथ आ सकते हैं क्या? अगर दोनों लोग, जैसा कि आप बता रहे हैं यादव मतदाता ज्यादा है, रघुवंशी मतदाता ज्यादा है, तो इनके लिए तो दोहरी मुसीबत हो जाएगी सिंधिया को, सिंधिया के लिए। देखिए वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट मिल सकता है लोकसभा का गुना से, ऐसी संभावना है कांग्रेस से। और अगर वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट मिलता है गुना से कांग्रेस से, और केपी यादव इंटरनल यदि सिंधिया जी को डैमेज करते हैं, तो कुछ हद तक सिंधिया जी को नुकसान हो सकता है। इन सब के बावजूद भी सिंधिया जी हार जाएंगे, पहले की स्थिति 19 की रहेगी, ऐसा मुझे आज की तारीख में तो मुझे नहीं लग रहा। हालांकि ये फिर मैं कह रहा हूं कि सिंधिया जी को ग्वालियर सीट ज्यादा सुरक्षित थी गुना के मुकाबले। ठीक है सर, ग्वालियर में आपको क्या लग रहा है? मतलब ग्वालियर में जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुसीबत हो सकती है अगर ब्राह्मण उम्मीदवार कांग्रेस देती है प्रवीण पाठक को, अगर चुनाव में लोकसभा टिकट देती है, तब भरत सिंह कुशवाहा के लिए दिक्कत होगी। सामाजिक आंकड़े वहां पर क्या है? मतलब अपर क्लास ज्यादा होगा, शहरी मतदाता है ज्यादा उधर। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में ओबीसी वोटर ज्यादा है, ये है ही बात, और लेकिन ओबीसी वोटर टोटल भारत सिंह के साथ नहीं होगा, क्योंकि वो कुशवा समाज से आते हैं। वो कुशवा समाज को जो ओबीसी का जो दूसरा वोटर है, जैसे गुजर हैं, बघेल हैं, पाल हैं, वो इतना वोट इनको नहीं देंगे, ऐसा मतलब अब इनकी जो स्थिति अभी तक सामने आई है वो एक बात हो गई। अब एसटीएससी के जो वोटर है, मुझे लगता है कि वो भारत सिंह के साथ इतना ज्यादा नहीं होगा व्यक्तिगत के मुकाबले, लेकिन जो मोदी जी वाला जो फैक्टर है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि बीजेपी को धीरे धीरे वहां सुधार हो सकता है। बीजेपी को धीरे धीरे आज की तारीख में तो भारत सिंह जो है कमजोर प्रत्याशी माने जा रहे हैं, भले ही बीजेपी ने उनको ओबीसी के चेहरे के रूप में सामने खड़ा किया है, ओबीसी चेहरा मानकर दिया है, लेकिन वो टोटल ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। जैसे मैं बता रहा हूँ ओबीसी में ही आपस में जो है, जैसे कुशवा समाज जो है वो गुजर को पसंद नहीं करता, गुजर समाज जो है वो कुशवा वोटर को वोट नहीं देता, इस प्रकार की जो हमने रिजल्ट भी पिछले चुनाव में देखे हैं, तो भारत सिंह को इन सब स्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा। दूसरा, भारत सिंह मंत्री रहते हुए, भारत सिंह मंत्री थे शिवराज सिंह मंत्रिमंडल में, मंत्री रहते हुए भी उन्होंने शहर के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, बल्कि शहर में वो उन्होंने एक प्रकार से भ्रमण भी उनका नहीं रहा, मुआयना भी नहीं रहा, तो एक ये भी नुकसान उनको हो सकता है। अभी देखो, अभी हम या कोई भी विश्लेषक या आप भी ये नहीं कह सकता कि ये हारेंगे या जीतेंगे। अभी तो यही कह सकते हैं कि हाँ, इनके लिए इस पॉइंट पर प्रॉब्लम हो सकती है, इनके लिए इस पॉइंट पर प्रॉब्लम हो सकती है, ये संभावना बन सकती है, ऐसा आकलन है। ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति, ये कैंडिडेट हारेगा, ये कैंडिडेट जीतेगा।